लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, उन्होंने कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला है इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता। बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो भाजपा ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं और जब उसका दिल नहीं बहलता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना दो गौर नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को मनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना दो करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने।